हेलो फ्रेंड, चाय पी लो घरों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अपना इवनिंग टी टाइम शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी मूंग दाल वड़ा। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। और इस तरह की इंस्टेंट मिक्स वाली चीज़ें मैं पहले भी बना चुकी हूँ और ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। इसके पैकेट पे सारी डिटेल्स हैं, उसी को फॉलो करेंगे और बनाएंगे हम मूंग दाल वड़ा। और इस तरह के पैकेट में आता है, इसका येलो कलर है। और मैंने गुलाब जामुन इंस्टेंट वाले और दही वड़ा ये सब बनाए हैं, पर ये फर्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, सारी चीज़ें सब कुछ इसमें ऐड होता है इस पाउडर में। जस्ट हमें पानी यूज़ करना है इसे फेंटने के लिए। बैटर बनाएंगे इसका बहुत अच्छा सा, और इसमें पूरा पानी 200 ml के करीब जाता है। और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा और लाइट बनेगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और एक स्मूथ बैटर बनाएं। बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा तो बनेगा नहीं और तेल भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला रखिए। और अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है, और उसके बाद आप इसे खोलेंगे तो जितना भी पानी था वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो 50 ml के करीब और पानी डाला है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसे भी लाइक एकदम फेंटना है, एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। और एक तरफ मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसे डीप फ्राई करना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जितना मिक्स करोगे उतना अच्छा बनेगा। और इवनिंग टाइम है तो मैं चाय बना रही थी दूसरी साइड, तो यहाँ पे मैंने अदरक डाली है थोड़ी सी, और गर्मी में भी अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। और चीनी और चाय पत्ती डाला है बस, और अब इसे बनाऊंगी। और यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुकी है चाय, तो मैं अब इसमें दूध ऐड करूँगी और फिर मैं इसे पकाऊँगी। और अब मैं इसे रख दूँगी, आराम से ये पकती रहेगी। इतने में मैं वड़े को फ्राई करूँगी। और ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए कि आप बैटर डालो और वो एकदम से ऊपर आ जाए, नीचे बैठे ना कढ़ाई में, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और मैंने डायरेक्ट इस तरह से वड़े बनाए थे, तो मुझे लाइक समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने स्मूथ बन नहीं रहे थे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स लाइक अलग हो गए थे जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो फिर मैंने सोचा इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। इतने में यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। और आप देख सकते हो चाय लवर कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये बन चुके थे, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। 5 मिनट में अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे, और इसी तरह रखना है। अब मैंने यहाँ पे अपना लाइक हाथ पानी से डिप करके फिर मैंने वड़ों को फ्राई करा था, तो ये स्मूथ बने थे। आप डिफरेंस देख लेना अभी। और इस तरह से आप बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे वड़े, पानी लगा के थोड़ा सा बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे पार्ट्स नहीं निकले हैं, सारे स्मूथ एकदम बना है वड़ा। और आजकल लॉकडाउन है, अगर आपको इस तरह के इंस्टेंट मिक्स वाले मार्केट में मिलते हैं तो रख लो, क्योंकि बहुत ही काम आ जाते हैं। और यहाँ मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी, तो मैं थोड़े से ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं और व्लॉग शेयर करूँगी थोड़े से बड़े, और ज़्यादा रूटीन दिखाऊँगी अपने उसमें। तो ये रेडी हो गए थे, तो मैंने इसे ग्रीन चटनी और दही के साथ सर्व करा था। काफ़ी टेस्टी बने थे, आप इसे ज़रूर बनाना। अगर आपने पहले भी बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगता है आपको। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।